हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स और इसके बाद सीखेंगे इन चारों का आपस में रिलेशन। देखते जाइए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइनर को। माइनर क्या होता है? आप कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए, टू ऑर्डर की, थ्री ऑर्डर की या उससे ऊपर किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। आप अगर मैट्रिक्स लें तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। और माइनर क्या होता है? माइनर होती है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सब मैट्रिक्स आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट। मतलब मान लीजिए मुझे ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट ए कहाँ पर है? ये एलिमेंट है पहली रो पहले कॉलम में, तो मैं इसके माइनर को बोलूंगा M11 का मतलब माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमें करना क्या होगा? हमें वन का माइनर चाहिए, तो वन जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए और जो भी बचा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। और आप जानते हैं कि वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू वही एलिमेंट होता है, तो इस वन एलिमेंट का माइनर हुआ 4। सिमिलरली हम इस 2 की बात कर लेते हैं। ये 2 अगर आप देखो तो ये 2 कहां पर है? ये 2 है पहली रो में और दूसरे कॉलम में, तो इस एलिमेंट का माइनर हुआ पहली रो दूसरा कॉलम M12। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहली रो हटाएंगे, दूसरा कॉलम हटाएंगे। आप पहली रो दूसरा कॉलम हटाइए, 3 बचेगा और जो भी रह गया उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम एलिमेंट होता है। सिमिलरली हम 3 और 4 के माइनर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं 3 की बात करूं, माइनर ऑफ 3, तो 3 कहां पर है? 3 सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। पहले रो बोला जाता है फिर कॉलम, तो इसका माइनर हुआ माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर क्या होगा? ये 3 जिस रो और कॉलम में है उसको हटा दीजिए, जो बचा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 इज 2, एंड लास्टली एक एलिमेंट बचा 4। अगर मैं 4 की बात करूं तो इसका माइनर, एम फॉर माइनर, माइनर कहां पर है? 4 कहां पर है? 4 है सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में, तो इसका माइनर कहलाएगा M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाइए, 1 बचा, जो बचा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू एंड दिस इज 1। तो ये चारों जो हैं स्टूडेंट्स ये माइनर कहलाए। माइनर निकालने के लिए मैट्रिक्स को कम से कम 2x2 ऑर्डर का होना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें, मैं एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेता हूँ और उसमें किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स का हम माइनर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 था, इसका ऑर्डर 3x3 है। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं तो कितने माइनर होंगे? तो 9 ही उसके माइनर्स होंगे। और हर एलिमेंट के माइनर को फाइंड करने का वही तरीका जो यहाँ था। मान लीजिए मुझे 1 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो M11 क्यों? क्योंकि 1 पहली रो और पहले कॉलम में। उसके बाद आप देखेंगे कि इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जिस रो में है हम उस रो को हटाएंगे और जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटाएंगे और रिमेनिंग सब मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट। और 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, 5 9 = 45 माइनस 8 6 = 48 एंड माइनर कम्स आउट टू बी -3। मैन लुक एट दिस 2। अगर मैं इस 2 की बात करूं तो ये 2 कहां पर है? पहली रो में और दूसरे कॉलम में, तो इस
2 का माइनर हुआ M12, मींस माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आप पहली रो को डिलीट कीजिए, सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या क्या बचा आपके पास 4, 6, 7, 9, और रिमेनिंग पोर्शन की डिटरमिनेंट वैल्यू आपको लिख देनी है। 4, 9 is 36 -7, 6 is 42 इट कम्स आउट टू बी -6। एंड लुक एट दिस एलिमेंट, लुक एट दिस एलिमेंट 3। ये एलिमेंट कहां पर है स्टूडेंट्स? पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो इसका माइनर होगा M13, पहली रो तीसरा कॉलम। सेम प्रोसीजर, पहली रो को हटाइए, तीसरे कॉलम को हटाइए, 4, 5, 7, 8 रिमेनिंग है। 4, 5, 7, 8 के डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट को फाइंड करके माइनर फाइंड आउट कीजिए। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, 32 - 35, दिस इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट सिमिलरली हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं 4 को 5 को। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का माइनर क्या होगा, तो 4 लाइज इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाइए और मेरे संग संग फाइंड आउट कीजिए। हम सेकंड रो को हटाते हैं और फर्स्ट कॉलम को हटाते हैं, हम पे बचेगा 2, 3, 8, 9 And this is 9 to the 18 -8, 3 is 24 equals to -6। आप 5 का माइनर फाइंड आउट कीजिए। 5 इसकी लोकेशन देखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये माइनर हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप सेकंड रो को हटा दीजिए और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, 4 कॉर्नर्स बचे आपके पास, 1, 3, 7, 9 डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, दिस इज -13। लुक एट 6, आप 6 को देखिए, माइनर और इसका नंबर क्या रहेगा जो इसकी रो एंड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये कहलाएगा, इसका माइनर कहलाएगा M23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये जिस रो में है वो हटाइए और जिस कॉलम में है वो हटाइए, क्या क्या बचेगा आपके पास को हटाने के बाद, 1, 2, 7, 8 1, 2, 7, 8 डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, दिस इज -6। नाउ कम टू द रिमेनिंग 3, दिस इज 7। 7 कहाँ लाई करता है स्टूडेंट्स? आप देखो, ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये M31 हो गया। आप थर्ड रो डिलीट कीजिए, फर्स्ट कॉलम डिलीट कीजिए, आपके पास 2, 3, 5, 6 बचा। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू दिस इज 12 - 15 विच इज -3। नाउ कम टू दिस 8। आई होप जो लोग मुझसे पहले कर रहे होंगे या वीडियो पॉज करके कर रहे होंगे उनके आंसर्स आ चुके होंगे। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, तो हमने थर्ड रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, हमारे पास आया 1, 3, 4, 6 1, 3, 4, 6 एंड दिस इज 6 - 12 विच इज -6। एंड लास्टली हम बात करते हैं 9 की, लुक एट दिस 9, ये 9 कहाँ पर है? तो ये जो 9 है अगर हम देखें तो ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में है, दिस इज M33 रिप्रेजेंट्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इस रो को हटाइए, इस कॉलम को हटाइए, 1, 2, 4, 5 बचा आपके पास, 1, 2,
फोर फाइव, वन टू फोर फाइव, और डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल दिस इज माइनस थ्री। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, फोर ऑर्डर और कितने भी बड़े ऑर्डर के माइनर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर है क्या? तो माइनर एक डिटरमिनेंट वैल्यू है, माइनर इज अ डिटरमिनेंट वैल्यू। किसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है? किसी एलिमेंट के रो और कॉलम को हटाकर जो एलिमेंट बचे उस सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू है। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। माइनर के बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर की। देखिए कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है अगर आपको माइनर आता है तो। जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है माइनस वन की पावर रो का नंबर प्लस कॉलम का नंबर मल्टीप्लाई इट्स माइनस। मींस बिल्कुल जैसे हमने माइनर फाइंड आउट किया था बिल्कुल उसी प्रोसीजर से कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। बस हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम कैसे करने वाले हैं? माइनस वन रेज टू द पावर उस एलिमेंट का रो का नंबर प्लस उस एलिमेंट के कॉलम का नंबर। आई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो एंड जे स्टैंड फॉर उसका कॉलम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं इस वन की, मुझे वन का कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर को आप सी से दिखा सकते हैं या कैपिटल ए से दिखा सकते हैं कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर कौन सा हुआ स्टूडेंट? सी वन वन। सी वन वन क्यों? ये पहली रो है और पहला कॉलम है। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले तो माइनस वन की पावर रो प्लस कॉलम लिखिए इनटू, फिर वही जैसे माइनर फाइंड आउट करते थे रो एलिमिनेट कीजिए कॉलम एलिमिनेट कीजिए और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन, सिक्स का डिटरमिनेंट सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। अब हम बात कर लेते हैं इस थ्री की। लुक एट दिस थ्री, बहुत इजीली आप इसके एड्रेस को ट्रेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। दिस इज माइनस वन रेज टू द पावर फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम इनटू, फर्स्ट रो को हटाइए और सेकंड कॉलम को हटाइए, क्या बचा हमारे पास? फोर। माइनस वन रेज टू द पावर थ्री इज माइनस वन, फोर का डिटरमिनेंट इज फोर इटसेल्फ, कोफैक्टर कम्स आउट टू बी माइनस फोर। अब हम इस फोर की बात कर लेते हैं। आप फोर को देखिए, इस फोर के एड्रेस को पहचानिए पहले। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, स्टूडेंट्स पहले हमेशा रो ही बोलनी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड रो हटाइए फर्स्ट कॉलम हटाइए, माइनस वन रेज टू द पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और रो और कॉलम को डिलीट करके जो सब मैट्रिक्स बची उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। माइनस वन रेज टू द पावर थ्री इज माइनस वन एंड डिटरमिनेंट ऑफ थ्री इज थ्री, सो दिस इज माइनस थ्री। इसके फोर्थ एलिमेंट को देख लेते हैं, सिक्स। आप सिक्स को देखिए, कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर आएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस वन रेज टू द पावर सेकंड रो प्लस सेकंड कॉलम, सेकंड रो को हटाइए सेकंड कॉलम को हटाइए, आपके पास बचा वन। माइनस वन रेज टू द पावर फोर इज वन इंटू वन विच इज इक्वल्स टू वन। ये इसके कोफैक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम देख सकते हैं थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। वन टू थ्री, लेट से फोर टू वन एंड दिस इज वन वन टू, कुछ भी लिख लिया हमने। अब हम बिल्कुल इसी तरह से इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और इसके कोफैक्टर्स जब हम फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कोफैक्टर की और डिटरमिनेंट की मिलाकर होती हैं। स्टूडेंट्स पहले देखते जाते हैं। आई होप आप अगर माइनर सीख चुके हैं
और कोफैक्टर का ये पोर्शन आप सीख चुके हैं, तो आप स्पीड से मेरे संगे फाइंड आउट कर पाएंगे। पहले मैं वन की बात करता हूँ, कोफैक्टर पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो माइनस वन रेस टू द पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और जो भी सब मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट माइनस वन की पावर टू एस प्लस वन, दिस इज डायगनल माइनस ऑफ डायगनल, फोर माइनस वन दिस इज थ्री, लुक एट दिस टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, माइनस वन रेज टू द पावर फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, आप फर्स्ट रो को हटाइए सेकंड कॉलम को हटाइए, क्या बचा आपके पास, फोर वन वन टू, फोर वन वन टू, माइनस वन रेज टू द पावर थ्री इज माइनस वन, फोर टू द एट, एट माइनस वन दिस इज एट माइनस वन दिस इज माइनस सेवन। Now come to 3, look at this 3, इसकी लोकेशन देखिए, पहली रो तीसरा कॉलम। अगर पहली रो तीसरे कॉलम की बात आप कर रहे हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, माइनस वन रेस टू द पावर पहली रो प्लस तीसरा कॉलम इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। आपने रो वन को हटाया, थर्ड कॉलम को हटाया, फोर टू वन वन, फोर टू वन वन, माइनस वन रेज टू द पावर फोर इज प्लस वन, एंड दिस इज डायगनल माइनस ऑफ डायगनल, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। सिंपली स्टूडेंट्स, आई होप आप वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। मैं अब इस फोर एलिमेंट की बात करता हूँ, सी वन फोर, वन फोर क्यों, सॉरी दिस इज सी टू वन, सी टू वन सेकेंड रो और पहला कॉलम, माइनस वन रेस टू द पावर सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो को हटाइए पहले कॉलम को हटाइए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब ये लाइन बना रहे हैं तो मैं इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको इसको कॉपी में बना के नहीं आना है बोर्ड में। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हट गया, टू थ्री वन टू बचा, टू थ्री वन टू, एंड दिस इज माइनस वन की पावर थ्री इज माइनस वन इन टू, फोर माइनस थ्री दिस इज वन, वन इन टू माइनस वन इज माइनस वन, लुक एट दिस, लुक एट दिस टू, ट्रेस इट्स लोकेशन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस वन रेस टू द पावर सेकेंड रो प्लस सेकेंड कॉलम इन टू, सेकेंड रो को हटाइए सेकेंड कॉलम को हटाइए, जो चार एलिमेंट बचे वो हैं वन थ्री वन टू, वन थ्री वन टू, माइनस वन की पावर फोर इज प्लस वन, डायगनल माइनस ऑफ डायगनल, टू माइनस थ्री दिस इज माइनस वन, look at this one, look at this one, this one lies in the second row and third column, इसका order है दो row, second row और third column, तो हम second row को हटाएंगे और third column को हटाएंगे, आप second row को हटाइए third column को हटाइए, क्या क्या बचेगा आपके पास, second row third column हटाने के बाद वन टू वन वन, वन टू वन वन, लुक एट दिस, माइनस वन रेस टू द पावर फाइव माइनस वन, डायगनल माइनस ऑफ डायगनल, वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन। नाउ लुक एट दिस एलिमेंट इन थर्ड रो, लुक एट वन, दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला वन जो है ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका डिटरमिनेंट होगा थर्ड रो प्लस फर्स्ट कॉलम इनटू, थर्ड रो को हटाइए फर्स्ट कॉलम को हटाइए, आपके पास बचेगा टू थ्री
टू वन, और इसकी आपको चाहिएगी डिटरमिनेंट वैल्यू। माइनस वन की पावर फोर इज प्लस वन एंड दिस इज डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल दिस इज माइनस फोर। स्टूडेंट्स इस वाले वन को देखिए, ये वन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में है। तो इसको डिटरमिनेंट निकालने के लिए वही प्रोसीजर, थर्ड रो को एलिमिनेट कीजिए, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कीजिए, आपके पास बचा वन थ्री फोर वन। वो मैंने ठीक किया है, इसको हटाया है और इसको हटाया है, वन थ्री फोर वन, वन थ्री फोर वन। माइनस वन की पावर फाइव इज माइनस वन एंड दिस इज वन माइनस ट्वेल्व डायगनल माइनस ऑफ डायगनल दिस इज प्लस इलेवन। कम टू द लास्ट वन, दिस टू इसका एड्रेस है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमने इसको कॉलम को फैक्टर थर्ड रो थर्ड कॉलम बोल दिया। माइनस वन रेस टू द पावर थ्री प्लस थ्री इन टू, थर्ड रो को हटाइए थर्ड कॉलम को हटाइए, वन टू फोर टू बचा आपके पास, वन टू फोर टू बचा। माइनस वन की पावर सिक्स इज प्लस वन एन टू डायगनल माइनस ऑफ डायगनल टू माइनस एट विच इज माइनस सिक्स। ये सारे कोफैक्टर लिखे हैं जो सारे एलिमेंट्स को देखकर आए। आई होप अभी तक यू आर विद मी, आप माइनर और कोफैक्टर को निकालने के प्रोसीजर को देख चुके हैं। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये कोफैक्टर फाइंड आउट करके हमें मिलता क्या है। हम एक काम करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ दीज कोफैक्टर्स। तो आप स्टूडेंट प्रॉपर्टी देखिए, मैं इस मैट्रिक्स को लिख देता हूँ एक बार। ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, चलिए इस मैट्रिक्स का ही हमें डिटरमिनेंट चाहिए, हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा वन टू थ्री, इसकी पहली रो है वन टू थ्री, फिर है फोर टू वन, फोर टू वन, फिर है वन वन टू, वन वन टू। स्टूडेंट्स आप भी ध्यान दीजिए कि जैसे आपने डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना सीखा है, हमने पिछली वीडियो में भी इसको देखा था, तो हम ये बोलते थे कि या तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं किसी भी एक रो से, या एक्सपेंड कर लेते हैं किसी भी एक कॉलम से। तो एग्जैक्टली वो हम करते क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि एक्सपेंड अलोंग रो वन, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंड अलोंग रो वन, तो डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है। आपने रो वन से एक्सपेंड करने के बारे में सोचा कि हम रो वन की हेल्प से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप ये देखो, पहला एलिमेंट, इसमें तीन एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर है। पहली रो के एलिमेंट ये रहे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखिए एक्सपेंड अलोंग रो वन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, पहली रो पहला कॉलम प्लस दूसरा एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, पहली रो दूसरा कॉलम प्लस तीसरा एलिमेंट थ्री इनटू इसका कोफैक्टर, पहली रो तीसरा कॉलम, वन इनटू कोफैक्टर है इस वन का थ्री प्लस टू इनटू इस टू का कोफैक्टर है माइनस सेवन प्लस थ्री इनटू इस थ्री का कोफैक्टर है टू। तो आप देखो स्टूडेंट्स, थ्री माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स दिस इज नाइन, माइनस फोर्टीन इक्वल टू माइनस फाइव। ये माइनस फाइव जो आया वो इस ए का डिटरमिनेंट वैल्यू आई। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था यहाँ पर कि ये जो हमने एक्सपेंड किया वो हम किसी भी रो से करें या किसी भी कॉलम से करें, अगर हमारे पास कोफैक्टर्स हैं तो हमारे पास बिल्कुल सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इसको रो वन से एक्सपेंड ना कर मैं इसको एक्सपेंड करता कॉलम वन से, तो
तब भी आंसर ये आना चाहिए था अगर हमने सारे कोफैक्टर सही निकाले हैं तो। वन इंटू मतलब अब मुझे एक्सपेंड करना है कॉलम में से, मैं इस कॉलम से एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। वन इंटू इसका कोफैक्टर पहली रो पहला कॉलम प्लस दिस फोर इंटू इसका कोफैक्टर ये है दूसरी रो पहले कॉलम में प्लस वन इंटू इसका कोफैक्टर ये है तीसरी रो पहले कॉलम में। वैल्यूज आपके पास राइट हैंड में लिखी हुई है, सी वन वन थ्री है, फोर इंटू टू वन, टू वन माइनस वन है, प्लस वन इंटू थ्री वन, थ्री वन की वैल्यू माइनस फोर है, दिस इज थ्री माइनस फोर माइनस फोर, थ्री माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस फाइव। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए अगर आपके पास कोफैक्टर्स हैं तो आप इसको किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से फाइंड आउट कीजिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर माइनस फाइव रो वन से आई है तो रो टू से भी यही आएगी, रो थ्री से भी यही आएगी, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री से भी यही आएगी। और प्रोसीजर क्या है, अगर आपने रो वन से एक्सपेंड किया एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर। अच्छा अब यहाँ पर एक बात थोड़ी नोट करने वाली है कि अगर मान लो रो वन के ही एलिमेंट हैं और रो वन के ही कोफैक्टर लिए तो आपके पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू। कॉलम वन के ही एलिमेंट हैं और कॉलम वन के ही कोफैक्टर लिए तो आपके पास क्या आ गया, फिर से डिटरमिनेंट वैल्यू। लेकिन अगर एलिमेंट रो वन के होते और कोफैक्टर रो टू या रो थ्री के होते, या फिर एलिमेंट कॉलम वन के होते और कोफैक्टर कॉलम टू या कॉलम थ्री के होते, तब हमें क्या करना था ये देखते हैं। आप पहले इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब आपको ये बात ध्यान से देखनी है कि मान लीजिए हमने रो वन के तो एलिमेंट लिए मान लीजिए, है ना, और जो कोफैक्टर ले लिए मान लीजिए वो रो वन की जगह हमने रो टू के ले लिए, तो रो वन के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई अगर रो टू के कोफैक्टर, रो वन के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई अगर रो वन के ही कोफैक्टर से करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर रो वन के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई रो टू या फिर रो थ्री के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करोगे तो फिर इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। प्रूफ कर लेते हैं। मान लीजिए मैं रो वन के अलोंग बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं एलिमेंट तो ले रहा हूँ किसका, रो वन का, और कोफैक्टर किसका ले रहा हूँ, रो टू का। आप देखते जाइए संग संग मेरे, एलिमेंट है वन और इसका कोफैक्टर देखिए, इसका कोफैक्टर तो सी वन वन होगा, पर हमने क्या बोला पहली रो का एलिमेंट और दूसरी रो के कोफैक्टर, तो एलिमेंट तो ये वाला और कोफैक्टर ये वाला, ये कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज माइनस वन, प्लस दूसरा एलिमेंट, एलिमेंट ये इंटू कोफैक्टर, ये कोफैक्टर कहाँ पर है, दूसरी रो दूसरा कॉलम विच इज ऑल्सो माइनस वन। नाउ टेक द थर्ड एलिमेंट थ्री और कोफैक्टर फर्स्ट रो की जगह सेकेंड रो का, और ये कहाँ पर है, टू थ्री विच इज प्लस वन। तो स्टूडेंट्स अब आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, इसको जीरो ही आना चाहिए, दिस कम्स आउट टू बी जीरो। वही मैं आपको बता रहा था, अगर रो वन के एलिमेंट की मल्टीप्लाई रो वन के ही कोफैक्टर से आप करोगे तो इसका आंसर आएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन अगर रो वन के एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम रो टू या रो थ्री के कोफैक्टर से कर दें तो जीरो। सिमिलरली कॉलम वन के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम वन के कोफैक्टर से तो डिटर्मिनेंट, और अगर कॉलम वन के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम टू या कॉलम थ्री के कोफैक्टर से तो जीरो। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि रो और कॉलम के कोफैक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कोई हमसे बोले रो वन के तो एलिमेंट ले लेंगे और कॉलम वन के कोफैक्टर ले लेंगे फिर आंसर क्या आएगा, तो कोई जनरल लॉ नहीं है इसके लिए, आंसर मतलब कुछ भी आ सकता है, जीरो भी नॉन जीरो भी। नोटेड डाउन।
स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट की। मान लीजिए ये मैट्रिक्स लिखी है ए और ये मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 2 1 1 1। ओके, हमसे बोला जाए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कीजिए। तो आप देखिए चाहे टू ऑर्डर चाहे थ्री ऑर्डर चाहे कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, एडजॉइंट फाइंड करने का सिंपल तरीका ये होता है। एडजॉइंट एलिमेंट को रिप्लेस कीजिए उसके कोफैक्टर से। वन की जगह कोफैक्टर ऑफ पहली रो पहला एलिमेंट, पहली रो पहला कॉलम आई मीन टू से। टू की जगह टू का कोफैक्टर, थ्री की जगह थ्री का कोफैक्टर। सिमिलरली फोर की जगह फोर का कोफैक्टर, इस टू की जगह इसका कोफैक्टर। मतलब हर एलिमेंट की जगह आपको उसका कोफैक्टर रख देना है। कोफैक्टर निकालना अभी अभी हम सीख के चुके हैं, और कोफैक्टर निकालने के बाद हमें कर देना है इसका ट्रांसपोज। अब आप देखिए, अच्छा एक कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है सर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है एडजॉइंट फाइंड करने का, पहले सारे कोफैक्टर्स फाइंड करो, फिर एलिमेंट की जगह कोफैक्टर्स लिखो, फिर इसका ट्रांसपोज करो, ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। बिल्कुल नहीं, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक शॉर्टकट वीडियो डाल रखा है कि किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो कोफैक्टर आएगा वो आप बमुश्किल एक मिनट से कम 50 या 52 सेकंड्स में निकाल सकते हैं। आप उस शॉर्टकट को जाके देखिए। अभी इसको पूरा करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एलिमेंट की जगह लिखने वाले हैं उसके कोफैक्टर्स। तो दिस इज 3 और -7 2, दिस इज -1 -1 1 -4 11 -6। हर एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिखते आपने ट्रांसपोज किया, और जब आपने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करते वक्त क्या होता है, रो बन जाती है कॉलम। 3 -7 2 पहली रो में था पहले कॉलम में आ गया, -1 -1 1 दूसरी रो में था दूसरे कॉलम में आ गया, -4 11 -6 तीसरी रो में था तीसरे कॉलम में आ गया, और हमें मिल चुका है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब आपके पास अगर एडजॉइंट भी आ चुका है तो हम इनवर्स की बात कर लेते हैं। और आप देखिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स को हम ए इनवर्स लिख के दिखाएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है 1 upon डिटर्मिनेंट वैल्यू into adjoint of that matrix। तो यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था -5, ठीक, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बोल देते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है। और अगर आपने डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर फॉलो किया है तो आप जानते हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन सिंगुलर। अगर स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट आपके पास है और इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं माइनस का 5 आया था आई होप। अब बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 upon -5 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट। दिस इज 3 -1 -4 -7 -1 11 2 1 -6। अब इस -5 को अंदर ले जाना है या नहीं ले जाना है यह आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इसको बाहर लिखा रहने दें और चाहे तो इसको अंदर ले जाएं। तो आई होप इस वीडियो में आपको माइनर कोफैक्टर
एडजॉइंट और इनवर्स समझ में आया होगा। माइनर की मल्टीप्लाई माइनस वन रेस टू दी पावर रो प्लस कॉलम से करने पे वो कोफैक्टर बन गया। हर एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिखकर ट्रांसपोज करने पर वो एडजॉइंट बन गया और एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने पर वो इनवर्स बन गया। ये फॉर्मूलाज कहाँ से बने इसके लिए एक अलग वीडियो आपको मिलेगी। और आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।